नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मोयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज कक्षा 8वीं में मैं ज्ञान सागर पुस्तक से पाठ 7 न्याय के खिलाफ लड़ाई के द्वितीय भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। आइए आज की कक्षा एक सुंदर विचार के साथ प्रारंभ करते हैं। सभी परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना ही प्रसन्नता की चाबी है। यदि आप जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आपके सामने कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी समस्याएं, चाहे वह सुख हो या दुख हो, उनमें हमेशा मुस्कुराते हुए आगे काम को करते रहना चाहिए, तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं। इन्हीं विचार के साथ पाठ को आगे बढ़ाते हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ाई भाग 2। पूर्व वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से अंग्रेज है वो कोया आदिवासी पर अत्याचार करते थे, उन पर जबरदस्ती कार्य के लिए दबाव बनाया जाता था। फिर श्री राम राजू द्वारा आदिवासी को समझाते हैं कि अपने अधिकारों के लिए आपको लड़ना चाहिए, काम करने के लिए मना करना चाहिए, जंगलों को काटने के लिए मना करना चाहिए। और जब वह उन जंगलों में रहने आया तो आदिवासी दुख दर्द की कहानी श्री राम राजू को सुनाते थे और पूछते थे कि कैसे हमारे जो कष्ट है उनसे निजात पाए, कैसे छुटकारा पाए हमारे दुखों से। श्री राम राजू ने आदिवासियों से कहा कि अत्याचार के सामने नहीं दबना चाहिए, यदि कोई आपके ऊपर अत्याचार करे तो उनके सामने नहीं झुकना चाहिए, तुम लोगों को काम पर जाने से मना करना चाहिए। कौन सा काम? जो पेड़ों को काटकर सड़क बनाने का काम था उसके लिए मना करना चाहिए। ऐसी बात जब आदिवासियों ने श्री राम राजू के सुने तो उनमें थोड़ी हिम्मत आ गई, ताकत आ गई और श्री राम राजू ने उन्हें यह भी बताया कि देश में और भी लोग हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं, अंग्रेज जो अत्याचार कर रहे हैं उनके खिलाफ लड़ते जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उनको यहाँ हमारे देश से भगाने के लिए युद्ध करने के लिए तैयार है। उन्होंने एक मशहूर नेता गांधी जी के नाम बताए। गांधी जी को तो आप सब जानते हैं, उन्हीं के बदौलत तो हमें सत्य, अहिंसा, असहयोग आंदोलन, बहुत सारे उन्होंने लोगों को जोड़ने के लिए कार्य किए और आज हमारा देश स्वतंत्र है। गांधी जी का कहना है कि भारत के लोगों को अंग्रेज सरकार का सहयोग नहीं करना चाहिए, अंग्रेज सरकार के काम में साथ नहीं देना चाहिए और उनका काम बंद कर देना चाहिए, जो वो चाहते हैं वो काम हमें नहीं करना चाहिए, तभी अंग्रेज झुकेंगे। अगर कोई अंग्रेज अन्याय करेगा तो हम अन्याय सहने से इनकार करेंगे, क्योंकि अन्याय सहने वाला बड़ा पापी कहलाता है। अन्याय का सामना करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। ये सारी बातें कोया आदिवासियों को श्री राम राजू बताते हैं। यह सब सुनकर कोया आदिवासियों का दिल मजबूत हुआ। बात सही है कि जब कोई हमको हिम्मत देता है तो हमारी हिम्मत तो और भी बढ़ जाती है। फिर क्या था, विद्रोह की ऐसी आग भड़की कि अंग्रेजों के होश उड़ गए, आश्चर्यचकित हो गए अंग्रेज, अब क्या करें। फिर भोले भाले आदिवासियों के मन में भरा सारा अपमान, दुख और क्रोध फूट कर निकल पड़ा। जो अपमान सहे थे, जो दुख सहे थे, वो बाहर आने लगे। भद्राचलम से पर्वतीपुरम तक पूरे इलाके के आदिवासी लोग अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए संघर्ष में कूद पड़े कि अब तो हमें अन्याय नहीं सहना है, अंग्रेजों से लड़ना ही है। और अंग्रेज सरकार के ऐसे छक्के छूटे कि आसपास के राज्यों से सेना बुलानी पड़ी। जो अंग्रेजी शासक थे वो उनसे कोई आदिवासियों से लड़ने के लिए अपनी सेना बुला लिए, पर अंग्रेजों की इतनी भारी सेना भी 2 साल तक विद्रोह को दबा ना पाई। जो विद्रोह चल रहा था
उस विद्रोह को दबा नहीं पाई। लोग संघर्ष करने के लिए तैयार होने लगे। जंगल की संकरी पगडंडियों पर से सेना की जो टुकड़ी गुजर रही होती, तो जो जंगल में छिपे कोया आदिवासी है, भारतीय सिपाहियों को गुजर जाने देते, और जैसे ही अंग्रेज सार्जेंट या कमांडर नजर आते, उन पर अचूक निशाना लगाते थे जंगल से छुपकर। आदिवासियों के विद्रोह से अंग्रेज सरकार इतना डरने लगी कि राजू के दल को आते देखकर थानों से पुलिस भाग जाती थी। इतना डर अंग्रेजों के मन में बैठ गया था कि अब तो युद्ध होने ही वाला है। श्री राम राजू ने आदिवासियों से कह रखा था कि अंग्रेजों से लड़ो, पर एक भी भारतीय सैनिक का बाल बांका न होने पाए। एक भी भारतीय सैनिक जो अंग्रेजों के अधीन थे, उनको कोई भी हानि न हो। अंग्रेजों की सेना में बहुत से भारतीय सिपाही भी थे, उनको नुकसान ना हो, ऐसा श्री राम राजू ने कोया आदिवासियों को बता के रखे थे, जिसका पालन बड़ी शक्ति के साथ कोया आदिवासी कर रहे थे। अब जब पहाड़ों से कूच करता था तो ऐसा लगता था मानो उसे किसी का भय ना हो, निर्भीक होकर वह लड़ने लगे। आदिवासी लोग ऐसा मानते थे कि श्री राम राजू के चमत्कार से अंग्रेजों की गोलियां पानी बन जाएगी। हिम्मत जब होती है तो कठिन से कठिन रास्ते भी सरल लगने लगते हैं। इसी विश्वास से वे गोलियों की परवाह किए बिना पुलिस चौकियों और सेना पर हमला कर देते थे और जितने भी उनके शस्त्र थे उनको लूटकर भाग जाते थे। श्री राम राजू ने एक कोने से दूसरे कोने तक गुप्त संदेश पहुंचाने के लिए पूरे गुप्तचरों का जाल फैला रखा था। अंग्रेजी सेना के आने जाने के संदेश ऐसे पहुंचाए जाते थे जिनका कानों कान किसी को खबर नहीं होता। बिना इतने गुप्त संदेश को खबरियों के माध्यम से पहुंचाया जाता था। यह सब देखकर अंग्रेजों ने भी अपने दांतों तले उंगली दबा ली। दांतों तले उंगली दबाना मतलब आश्चर्यचकित हो जाना कि कैसे श्री राम राजू और आदिवासी लोग हमसे इतने बड़े स्तर पर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। और धीरे धीरे जंगलों और पहाड़ों में राजू के लोग बड़ी फुर्ती से छिपते फिरते थे। ऐसे इलाकों में हथियारों से लदी अंग्रेजों की जो भारी भरकम सेना अपने आप को कमजोर महसूस करने लगती थी। हम उनके पास बल, बारूद, बंदूक सब था, मगर अपने आप को कमजोर महसूस करने लगे। राजू के लोगों को गांव का सहारा मिलता गया। गांव के लोग सभी जो विद्रोह के लिए थे उनको शरण देते और लाख कोशिश करने पर भी अंग्रेज को उनकी खबर लगने नहीं देते थे। फिर क्या, अंग्रेजों को एक तरकीब सूझी। अंग्रेजों ने एक उपाय खोज लिया कि किस प्रकार इन विद्रोहियों को दबाया जाए। उन्होंने सोचा कि आदिवासियों को लड़ाई में तो हरा नहीं पाएंगे, अब इन्हें भूखे रखकर मारना पड़ेगा। जंगल के अंदर गांव में जो राशन लाने वाले जितने भी रास्ते थे सबको अंग्रेजों ने बंद कर दिए। किसी को भी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बड़ी मुश्किल हो गया। लड़ाई लड़ने के लिए नहीं सके तो अंग्रेजों ने अपना तरीका ही बदल दिया आदिवासियों को भूखे मारने के लिए। भूखे तो मर नहीं सकते, रास्ते तो रोक लिए, मगर अब आगे क्या होगा, बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई आदिवासियों के सामने और श्री राम राजू के सामने। आगे क्या होगा बच्चों, इसको अगले वीडियो में मैं अगली कहानी को बताऊंगा। तब तक के लिए आप अपनी अभ्यास पुस्तिका निकाल कर इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। श्री राम राजू का पूरा नाम क्या था? श्री राम राजू की किस बात को सुनकर कोया आदिवासियों में हिम्मत आई? आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले कहानी के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।